Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Back to another tutorial. In this video, we are going to talk about how you can bypass iCloud iPhone lock to owner. I will show you step by step this video totally free for everyone. From now, I will explain in Hindi. जैसे कि आपने सुन रहे iPhone owner to lock जो ये डिवाइसेस है iPhone 5s से लेकर iPhone X तक आपने बाईपास कर सकता और ये बिल्कुल फ्री है. अभी मैं देखाऊंगा कैसे काम करना पड़ता. एक्चुअली आपने जो हम जो फ्री आपको दे रहे कभी कभी पेड हो जाता है सर ये, तो आपका पास अगर बैलेंस होगा तो उस टाइम पेड में काम कर सकता है, बिल्कुल मुनासिब पैसे. फिलहाल फ्री है, मैं तकरीबन 50,000 फ्री दिया पहले, सही है. तो अभी मैं देखाऊंगा कैसे इसको एक्टिव करना पड़ता है, वो भी सब कुछ अपना टूल से, मतलब ये किसी थर्ड पार्टी टूल नहीं है, अपना टूल है. अभी देखाऊंगा कैसे काम करना पड़ता है. ये आईफोन 7 है और आईफोन iOS 16.6.1 तक आपने काम कर सकता. ये आईफोन 7 iOS वर्जन है 15.7.8, सही है. सो ये पहले आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा. जब भी आपने मोबाइल का काम करना है, मेरा दिक्कत ये है जब भी मैं कोई से वीडियो बनाता है मैं मतलब फास्ट में से लास्ट तक मतलब कम्प्लीटली बताता है कैसे काम करना पड़ता है. मैं बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखा हुआ, मतलब आदमी लोग प्रॉपरली बात नहीं करता है, लेकिन मैं कोशिश करता है प्रॉपरली बात करने के लिए, आपको समझ में आने के लिए. कोई से भी आदमी मेरा वीडियो देखने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे काम करना पड़ता. और डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा, उस डाउनलोड कर लेना. अभी तक हमारा जो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके रखना है. कभी कभी हम लोग फ्री वीडियो अपलोड करता है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, सही है. अभी देखो ये जो मोबाइल है, जो भी मोबाइल आपके पास आएगा अपने जल्द करके बाईपास कर सकता है जब ये iCloud ऑनर टू लॉक बोलेगा, सही है. अगर इधर अनेबल टू एक्टिव बोलेगा वो भी कैसे फिक्स करना पड़ता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस पर फिलहाल बताऊंगा कैसे काम करना पड़ता है. फर्स्ट अपना इसको टूल को डाउनलोड कर लेना, मैं टूल आपको लिंक दे दूंगा, टूल बिल्कुल फ्री है. कैसे भी एक्टिव करना पड़ता है वो भी मैं बता दूंगा, सही है. तो फर्स्ट आप देख लो इधर से जो ना आपने नॉर्मली ये जो टूल है डाउनलोड कर लेना. डाउनलोड करने के बाद इधर टूल को ओपन करना है. मैं फुल टूल को ऑन कर लेता, सही है. मैं टूल को ऑन कर लेते फिर आपको समझ में आ जाएगा. क्लिक किया करने के बाद ओपन डाउनलोड करते हैं. डाउनलोड करने के बाद इधर से टूल ओपन हो जाएगा. जब भी टूल ओपन हो जाएगा मैं नॉर्मली कनेक्ट करूंगा, आपने चेक कर लो, सही है. आपने देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा. मैं अभी कनेक्ट किया, सही. कनेक्ट करने के बाद अभी देखो इधर से क्या लिखा आएगा, iOS 15.7.8 ये iCloud लॉक आ गया, सही है. इधर इस आईमी वगैरह शो हो रहा है, इधर अनेबल टू एक्टिव शो नहीं हो रहा. जो अनेबल टू एक्टिव शो होगा तो वो बाईपास नहीं होगा, वो कुछ और तरीके से बाईपास करना पड़ता है, मैं बता दूंगा, वो भी हमारे पास ऑप्शन है. अभी देखो हम लोग जब भी काम करूंगा इधर जब एक्टिवेशन बटन में क्लिक करूंगा इसने फॉरन बोल देगा जेल ब्रेक करने के लिए, प्लीज जेल ब्रेक योर डिवाइसेस. तो ये जेल ब्रेक कैसे करना पड़ता, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो आपका सीरियल नंबर पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो पहले आपने जो ना इस टूल को डाउनलोड करने के बाद इस सीरियल को कॉपी करना है. सीरियल को कॉपी करने के बाद जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करना है. कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपने चला जाओ बेस्ट ऑफ हम लोग के अंदर ये वेबसाइट के अंदर चला जाओ. इसके जाने के बाद आपने नॉर्मली ये जो फ्री चेक इधर से जो ना सिर्फ आपने आईमी वगैरह चेक कर सकते थे. क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा, मैं आपको दिखाया जाता है. ये जो ना रजिस्ट्रेशन कर लेना और इधर से लॉग इन कर लेना. कोई सी भी दिक्कत होगा तो इससे एक पॉपअप खुलेगा, उससे हमसे बात कर सकता. हम लॉगिन में क्लिक करूंगा. लॉगिन में क्लिक करने के बाद इधर से पासवर्ड वगैरह पूछेगा, हम बता लिखा 7897897. ये जो ना इसके अंदर मैं एक ऑप्शन लगाया, आप नहीं लगा लेना, हम ऑलरेडी बता दिए कैसे करना पड़ता है. इधर से ये ऑप्शन आने के बाद नॉर्मली हम लोग जो ना पासवर्ड लगाऊंगा. पासवर्ड लगाने के बाद जाके फिर हमारा ये इसके अंदर जो ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता है. मैं फिर आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता है. गूगल ऑथेंटिकेट ये ऑप्शन जो ना ये ऐड कर देना है. फिर 10 सेकंड बाद जो ना पासवर्ड चेंज होते रहेगा. कभी भी आपने जो ना क्रेक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा तो सही है, फिर आपको जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगा, आपका पासवर्ड वगैरह हैक कर लेगा. इसके लिए इसके अंदर प्रोटेक्शन लगा लेना इसके अंदर, सही है. तो अकाउंट के अंदर सिक्योरिटी ऐड हो जाएगा, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा. ये अभी लॉगिन हो गया, सही है. देखो लॉगिन हो गया, पासवर्ड के बगैर लॉगिन नहीं होगा. और ये देखो इसके अंदर वेबसाइट ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा. एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, आज पता नहीं क्या हुआ इसीलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है. अभी देखो इससे ऑन होने के बाद जाना हम इसको बाईपास करूंगा. ये बाईपास करने के लिए बहुत सारा तरीके है. ये तो ऑनर लॉक है, कुछ मोबाइल आता है इसके अंदर अनेबल टू एक्टिव आता है, कुछ डिवाइस आता है जो ना MDM लॉक आता है, कुछ डिवाइस होता है सिम नॉट सपोर्ट है, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन है, हार्ड सॉल्यूशन एक नहीं है, सही है. आपने ये ध्यान में रखना है, मतलब जो भी आपने काम करना पहले आपने सीखना चाहिए कैसे काम करना पड़ेगा, ऊपर सीखना चाहिए फिर जगह काम करना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा काम करने के बाद. कोई मतलब कोई कुछ भी कोशिश जब करेगा अगर आपने मालूम पड़ेगा तो सही तरीके से कुछ बाद में प्रॉब्लम फेस नहीं होगा.
तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ऑन होने के बाद मैं आपको दिखा देते कैसे काम करना पड़ता है। सही है, पेज को ओपन होने के बाद जाके आपने इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको सीएल नंबर जो है ना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस ये टूल है, इस टूल को चलाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सीएल नंबर आपको नजर आ रहा है, देखो इस सीएल नंबर को कॉपी करके जो ना इस वेबसाइट के अंदर आपको सीएल नंबर पेश करना है। पेश करने के बाद जाके आपको इस डिवाइस को इधर क्लिक करके आपने एक्टिव करना है। सही है, तो अभी मेरा सीएल जो ना ऑलरेडी एक्टिवेट है, कैसे करना पड़ता है मैं थोड़ा इंतजार कर लेता है, इसको जाकर आपको दिखा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा इंतजार कर लेते, सही है, फिर जाके मैं आपको दिखाने के लिए आसान हो जाएगा, आपकी भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो अभी लॉग इन होने के बाद जो ना हम लोग इसमें क्लिक करूंगा, आई एम सर्विस में क्लिक करूंगा, इधर से ऑर्डर जो किया हिस्ट्री में चेक करना, जो ऑर्डर करना इधर से ऑर्डर चेक करना, इधर से ऑर्डर नाउ में क्लिक करने के बाद आई एम सर्विस में क्लिक करूंगा। आई एम सर्विस सर्वर सर्विस, सर्वर सर्विस में होता क्या, कुछ क्रेडिट वगैरह है, पर भी वगैरह कुछ टूल होता है उसमें, मतलब डोंगल होता है एक्टिव करने के लिए ऑप्शन इधर ही, और ये है मतलब कुछ टूल बाईपास करने के लिए ये ऑप्शन इधर। देखो शुरू में ये जो ना ऑप्शन आ गया है फ्री फ्री फ्री, सही है, चार ऑप्शन फ्री है, तो चार ऑप्शन से आपने क्या करना है, इसका नेट जाल ब्रेक लिखा हुआ, इसमें जाल ब्रेक बाईपास कर सकते हैं फ्री, और विदाउट जाल ब्रेक में फ्री है, तो विदाउट जाल ब्रेक कैसे करना पड़ता है वो भी आपको दिखा दूंगा बाद में। और इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आ गया सीएल नंबर पेश करो, सीएल नंबर को कैसे कॉपी करना पड़ता है मैं आपको दिखाया था, थ्री टूल से भी कॉपी कर सकता है नहीं तो फिर इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद कॉपी हो गया, पेश करूंगा, ये सीएल नंबर सेम सेम सीएल नंबर इधर आ गया, ये सेम सेम सीएल नंबर इधर आ गया। सही है, अभी जाके हम लोग सीएल नंबर इधर से पेश करूंगा, जब भी सीएल नंबर पेश करूंगा ये सीएल नंबर सबमिट हो जाएगा। सही है, आपको दिखाया था, सबमिट होने के बाद पता क्या है आपने जो ना चेक करना है, ऑर्डर नाउ हिस्ट्री में चेक करना है, मेरा ऑलरेडी सीएल नंबर एक्टिवेट है, इसीलिए जब भी मैं कोशिश बता रहा है ये जाल ब्रेक करो, अगर ऐसा नहीं तो फिर बोलेगा आपको सीएल नंबर एक्टिवेट करने के लिए। इधर क्लिक करने के बाद वाडा नाम में क्लिक करूंगा, वाडा हिस्ट्री में क्लिक करूंगा, आई एम सर्विस वाडा हिस्ट्री में, इन प्रोसेस बता रहा है, इन प्रोसेस बता रहा है, अगर ये सीएल नंबर एक्टिवेट है ऑटोमेटिक रिजिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है आपने एक दफा सीएल नंबर एक्टिव किया दोबारा एक्टिव करने की कोशिश करेगा तो फिर पैसा आएगा, नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, फॉरन रिजिट हो जाएगा ये। सही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीएल एक्टिवेट मतलब होने के लिए, और मेरा सीएल नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट है मुझे पता है। सही है, मैं ऑलरेडी एक्टिव किया है पहले, इधर से एक्टिव नहीं किया शायद, मैं फिर एक दो चेक कर लेता है, जब भी कॉपी क्लिक करूंगा, कॉपी करने के बाद इधर शॉर्ट्स में क्लिक करूंगा और पेश करूंगा, शायद हो सकता अगर चेक किया तो इधर आ जाएगा नहीं तो भी नहीं आएगा, इधर पूरा आ गया, मतलब कितना दफा एक्टिव किया देखो, बता रहे देखो ये इस कौन से टूल से एक्टिव किया वो पूरा ही सीएल नंबर आ गया, बहुत सारा टूल हम लोग एक्टिव किया है ये आ गया। सही है, अभी इन प्रोसेस लिखा हुआ है, इन प्रोसेस लिखा हुआ है इसको सीएल नंबर मतलब ये जब डन लिखा आ जाएगा, सीएल नंबर एक्टिविट ऐसे लिखा आ जाएगा। सही है, तो अभी हम ऑलरेडी सीएल नंबर एक्टिविट है तो हम इसको जो है ना थोड़ा टाइम रिजिट हो गया, क्या लिखाया, ई सी आई डी नंबर रजिस्टर ऑलरेडी, मतलब सीएल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है। सही है, ई सी आई डी का कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर लिखा हुआ है, रिजिट हो गया, मतलब आप काम कर सकता है। काम के लिए आपको जब ये क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जाके इधर जो ना बोलेगा प्लीज जेलब्रेक योर डिवाइसेस, इसका मतलब आपको डिवाइस जेलब्रेक करना पड़ेगा। अभी बहुत सारा टूल फ्री है, हम भी जो ना इसको अंदर फ्री में शेयर किया है, अभी कोई जरूरत नहीं एक्टिवेट करने के लिए। एस्केलेट एस्केलेट टूल अल्ट्रा, इसमें आपने जेलब्रेक करके जो ना आपने बाईपास कर सकते हैं, मैं इसमें क्लिक किया, इसको जो ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको इसका नाम क्या जीप फाइल अनजिप होने के लिए, एग्जिट होने के लिए, अनजिप करने के बाद इसको ओपन करूंगा। अभी देखो ये दूसरा है, इसको ओपन करने के बाद ऑन किया, ऑन करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, अभी मैं आपको दिखा दे रहा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मतलब मैं जैसे बताता है ना, मतलब आदमी को समझ में आ जाएगा सही कैसे काम करना पड़ता है। और मेरा वीडियो को पसंद है प्लीज लाइक करना, तकरीबन 85,000 सब्सक्राइब हो गया, 15,000 लगेगा 100K होने के लिए, उम्मीद करता हूँ 100K हो जाएगा अगर आपका सपोर्ट सही तरीके से करना है तो। कभी कभी देखते हैं हम लोग डाउन हो जाता है। सही है, अभी देखो इधर ऑप्शन ही आ गया, ऑप्शन आने के बाद जाके इसका जल ब्रेक करना पड़ेगा, इस टूल इस डिवाइस को जल ब्रेक करना पड़ेगा, जल ब्रेक करने के लिए लाजिम आपको डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद जाके इसमें आपने इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसके जो ना पहले हम लोग एक्टिवेट पेड में फ्री में दिया था, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, अभी हम लोग फ्री दे दिया, क्विक मोड में सिलेक्ट कर सकता है नहीं तो फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकता है। सही है, जब भी क्विक मोड में सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस जो ना अभी रिकवरी मोड में चला जाएगा। सही है, जब भी रिकवरी मोड चला जाएगा ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको जल ब्रेक करने के लिए, मतलब पहले रिकवरी मोड जाएगा उसको जाके डीएफ मोड करना पड़ेगा फिर जाकर अपने जल ब्रेक कर सकता। देखो अभी इसमें ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आने के बाद हम लोग ऐसे वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबाना पड़ेगा आपको, जब भी स्टेप बटन क्लिक करूंगा सेम टाइम पर मैं दबा दिया, अभी वॉल्यूम डाउन लाजिम प्रेस रखना है लेकिन पावर बटन छोड़ देना है।
अभी देखो मैं छोड़ दिया, डीपी मोड जब सक्सेसफुल लिखा गया मैं छोड़ दिया। अभी देखिए बात सुनिए, इधर बहुत सारे आदमी को इधर प्रॉब्लम आ सकता है, इधर जल ब्रेक होने के टाइम इधर जो ना फंसा हुआ, फंसा होगा तो फिर कैसे ठीक करना पड़ता है वो मैं दूसरा एक वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन इसके अंदर उम्मीद करता हूँ बहुत सारे आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगा जो ना अपने इसको ठीक कर सकते कैसे मैं सेटिंग बता दूंगा, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको जल ब्रेक होने के लिए, जल ब्रेक हो जा रहा है। देखो ये जो एरर आ रहा है ना, ये जो हमारे विंडोज के अंदर कोई इशू है इसके लिए एरर आ रहा है, लेकिन आपके इधर कोई एरर नहीं आएगा, आपने याद रखना है इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, इसको क्लोज नहीं करना। अभी मैं काम होने दो, उसके बाद जाके इसको क्लोज करूंगा। ये अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, सही है, ऑलमोस्ट डन, क्लिक किया डन हो गया, सही है, इधर एरर नहीं आएगा। नॉर्मली ये जल ब्रेक हो गया, जल ब्रेक होने के बाद हमारा काम क्या है आपको देखा जाता है। अभी नेक्स्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट थोड़ा टाइम लगेगा आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इधर जो ना वाईफाई आएगा पूरा बंगला आ गया, तो ये नेक्स्ट क्लिक किया, सही है, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जाके अभी इधर इसके अंदर जो ना आईक्लाउड आईडी आ जाएगा, जो आपको मालूम ऑलरेडी है ये ऑनर लॉक है, ऑनर लॉक कैसे ठीक करना पड़ता है वो हमको इस बीच में बात कर रहे हैं, सही है। उसके बाद एमडीएम के कैसे करना पड़ता है, मैं एक्चुअली आपने फॉलो मुझे करेगा तो सब्सक्राइब करके रखेगा तो फिर जो ना हम लोग कभी कभी वीडियो अपलोड करूंगा आपको लाजिम आपको कुछ समझ में आ जाएगा सीखने के लिए कुछ। देखो ये आ गया, अभी सिर्फ हम लोग जो ना नॉर्मली इसको बैक में चला जाऊंगा, जाने की बजाय हम लोग जो टूल आपको दूंगा वो टूल डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद टूल को ऑन करना, टूल को ऑन करने के बाद जाके नॉर्मली यस ओपन करने के बाद जल ब्रेक करना, बहुत सारा ऑप्शन आपको बता दिया है, सही है। देखो ये ऑप्शन आ गया, सही है, इधर उधर कनेक्ट नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन, थोड़ा टाइम लगा दिखा देता है, मतलब ये इधर बहुत सारा आदमी को दिक्कत होता है, मतलब ड्राइवर का मिसिंग हो जाता है कभी कभी, जल ब्रेक करने के बाद क्या होता है ड्राइवर मिसिंग हो जाता है, ड्राइवर जो मिसिंग होता है वो कैसे ठीक करना पड़ता है बहुत सारा आदमी को ये मालूम नहीं है, सही है। देखो इधर से शो नहीं हुआ, लेकिन मैं भी ट्राई किया कि वो देखते हैं इसी नॉट रिस्टोर, तो शो नहीं हुआ कैसे होगा, तो अभी हम लोग देखूंगा इसको ड्राइवर कैसे फिक्स करना पड़ता है। आदमी बहुत सारे कि कैसे फिक्स करूंगा, ये आदमी को दिक्कत हो जाता है जब भी ये जल ब्रेक करने के बाद जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर कैसे फिक्स करूंगा आदमी को मालूम नहीं पड़ता, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना पड़ता, थ्री टूल्स को ऑन करना, थ्री टूल्स को ऑन करने के बाद इधर जाके आपने ड्राइवर ढूंढना है, ड्राइवर रिपेयर ड्राइवर ढूंढना है, इधर क्लिक करना है आइटम्स इसमें और रिपेयर ड्राइवर में क्लिक करना है, रिपेयर ड्राइवर क्लिक करने के बाद जाके नॉर्मली इसको रिपेयर ड्राइवर में सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट करने के बाद जाके जो प्रॉब्लम होगा वो अनइंस्टॉल करके जो दोबारा इसे फिक्स कर देगा, फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिर भी ट्राई करता आपको दिखाने के लिए, कभी कभी अच्छा होता है आदमी के लिए जो हर प्रॉब्लम जो ना एक वीडियो में आ जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता जो प्रॉब्लम जो होना शो नहीं होता, तो बहुत सारे आदमी को ये प्रॉब्लम आएगा, तो ये अच्छा हुआ जो आदमी को फिर प्रॉब्लम होगा वो आसान से इस वीडियो देखकर सीख सकता है, अगर कोई करंट नहीं होगा तो कैसे ठीक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हमारा प्रॉब्लम में किस, कभी कभी ऐसा होता है कुछ और टूल में काम कर रहा है कुछ और प्रॉब्लम आ गया, लेकिन कैसे फिक्स करना पड़ता है सेम सेम तरीके से अपने फिक्स कर सकता। और मैं बीच में जो ना हिंदी वीडियो अपलोड करने बंद कर दिया हुआ, एक्चुअली मेरा सब्सक्राइब जो ना ज़्यादा मतलब इंडियन और पाकिस्तान बांग्लादेशी था, लेकिन उन लोग जो ना सपोर्ट बंद कर दिया हुआ, पता नहीं कैसा क्या हुआ, मैं क्या दिक्कत हुआ मुझे समझ में नहीं आया, तो हम जो ना बाहर में काम करा जाता है इसलिए जो ना अभी फिर दोबारा शुरू किया, कोशिश कर रहा है जो ना जो जो आदमी जो ना पहले फॉलो करता था अभी भी फॉलो है लेकिन वीडियो नहीं देखता, लेकिन आपने वीडियो देखना है उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा पसंद आएगा, सही है। अभी देखो इधर क्लिक किया ये एक्टिव हो गया और इधर जल ब्रेक भी शो हो रहा है, सही है, मतलब ये जो अभी कनेक्ट हो गया, अभी देखो इधर भी शो हो गया, सही है, इधर भी शो हो गया, नहीं तो क्लोज को क्या करते हुए ऑन करना है, जस्ट नॉर्मली हम लोग इधर क्लिक करूंगा, इधर क्लिक करूंगा इसमें देखो एक्टिव डिवाइस में क्लिक करूंगा, हम लोग देखते हैं अभी एक्टिव डिवाइस में क्लिक करते हैं कितने टाइम लगते हैं बाईपास होने के लिए, तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 मिनट लगता है बाईपास होने के लिए, बाईपास होने के बाद जाके आपका डिवाइस जो ना बिल्कुल पूरा पूरी सेम सेम जेन्युइन की तरह हो जाएगा, अपने नॉर्मली मोबाइल इस्तेमाल कर सकता, सही है, इसके लिए और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसीलिए जो ना थोड़ा टाइम लग रहा है, इंटरनेट मतलब ये अभी पता नहीं आज बारिश हुआ शायद इस बार इंटरनेट स्लो है। देखो अभी काम हो गया, कितने मिनट लगा हुआ, मतलब 15 मिनट के अंदर काम खत्म हो गया, मेरे 15 मिनट नहीं लगना था, मतलब सिर्फ 2 मिनट लगना था, लेकिन आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ वो बेहतर है, वो आपके लिए अच्छा हुआ। देखो ये अभी हो गया, चलो हो गया, और ये पहले बाईपास मैंने किया नहीं है, मतलब अभी डायरेक्टली आपको जो सॉफ्टवेयर करने की बात कैसे बाईपास करना पड़ता है आपको दिखा दिया, इसे ये पूरा बाईपास हो गया। अभी इस तरीके से अपने मोबाइल को बाईपास कर सकता, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं तो
अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो वीडियो को पास प्लीज लाइक कर देना, नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपका मर्जी है। और जैसे अपने और आखिरी एक बात है, जैसे क्लिक करने के बाद हमारा जो ना टेलीग्राम का चैनल ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आके ज्वाइन हो जाना। कभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम इमरजेंसी होता है तो इधर से हम लोग कुछ मतलब पोस्ट करते हैं इम्पोर्टेंट। हम लोग हर दफा यूट्यूब में पोस्ट नहीं करते, जिसके अंदर पोस्ट करते हैं, लेकिन आप इधर से देख के सॉल्व कर सकता। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।